हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आप सभी का स्वागत करता हूँ बुनियाद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है इंडिसेस। इंडिसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी करंट में डिप्लोमा या BBA या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ए आपके पास कोई रियल नंबर है, ए अगर आपके पास क्या है, कोई रियल नंबर है, और आप ए रेज टू पावर टू करना चाहते हैं, मतलब पावर करना चाहते हैं, ए की पावर टू करना चाहते हैं, तो इसका मीनिंग है ए को आपने ए से मल्टीप्लाई किया है 2 टाइम्स। और अगर आप ए की पावर 3 करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इन जनरल वे हम कह सकते हैं कि ए रेज टू पावर एन, ए इंटू ए कितनी बार हो जाएगा, एन टाइम्स। इसको आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये जो पावर में ए है, ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर ए की पावर आपको -2 चाहिए, ए की पावर आपको कितना चाहिए, -2, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर 2। जो नेगेटिव पावर होती है वो इसका रेसिप्रोकल बन जाती है, 1/a की पावर 2 पॉजिटिव बन जाएगी। और ए रेज टू पावर -3 जो है वो हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर 3। किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 वो हमेशा वैल्यू क्या देती है आपको, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 आपको क्या वैल्यू देती है, 1। अगर आपको कोई फ्रैक्शन में करना है, जैसे 2/3 की पावर आपको 4 करनी है, इसका मतलब है कि आपने 2/3 को 4 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2/3 को आपने 4 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसका न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप चाहें तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, और नीचे 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81। आप इसकी वैल्यू 16/81 भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नेगेटिव नंबर की कोई पावर करनी है, नेगेटिव नंबर की पावर आपको 0 करनी है, तो अभी मैंने आपको बताया किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा रिजल्ट क्या देती है आपको, 1 देती है। अगर आप -2 की पावर 2 करना चाहते हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। तो इसमें माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाता है और 2 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इन सिमिलर वे अगर आप -2 की पावर मान लीजिए -3 करते हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 1/ में -2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि आपने -2 को डिनोमिनेटर में 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी -1/8। 2 × 2 × 2 = 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो। अब हम करना चाहते हैं फ्रैक्शनल इंडिसेस का मतलब ये हुआ कि अगर ए की पावर आपने फ्रैक्शन में करी है, 1/2 करी है, तो हम इसको आमतौर पे स्क्वेयर रूट भी बोलते हैं। हम इसको बोल देते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ ए, इसको रूट ए से भी लिखा जा सकता है। अगर आपको रूट ए लिखने के बाद यहाँ 3 लिखा आपने, तो इसका मीनिंग होता है 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ ए। इसको क्या बोला जाता है, क्यूब रूट ऑफ ए बोला जाएगा इसको। अगर आप ए पावर 4 कर देते हैं रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा ए की पावर 1/4, और इसको क्या बोला जाता है, फोर्थ रूट ऑफ ए, एंड सो ऑन। ये वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है। अब हम क्या करना चाहते हैं,
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। हम कुछ रूल पढ़ेंगे अब, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। अब हम कुछ रूल पढ़ना चाहते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। पहले हमने क्या लिखा, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर ए और बी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर हैं और एम एंड एन आर रेशनल नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकते हैं ये, देन ए रेज टू पावर एन इंटू में ए रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एन इंटू में ए रेज टू पावर एम, अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और इन दोनों का बेस अगर सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो सकती हैं, ऐड हो जाएंगी एन प्लस एम। अगर आपने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया है जिनका बेस क्या है, सेम है, तो उनकी पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ए की पावर कितना हो जाएगा ये एन प्लस एम। मान लीजिए आपने 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर माइनस 4 से, 2 की पावर 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर माइनस 4 से, तो इससे क्या होगा, 2 की पावर 3 माइनस 4, और 3 माइनस 4 जो बना वो बन जाएगा 2 की पावर माइनस 1। और अभी हमने सीखा था पीछे 2 की पावर माइनस 1 जो है उसको हम 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं। सिमिलर वे से जो इसका सेकंड रूल है वो है ए की पावर एम रेज टू पावर एन, ए की पावर एम रेज टू पावर एन, तो हम इसको ए की पावर एम इंटू एन भी लिख सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, या फिर हम इसको ए की पावर एन इंटू एम लिख देते हैं, या फिर हम इसको ए की पावर एन की पावर एम ऐसा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 2 की पावर 3 की पावर 4 करी है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 की पावर ये कितना बन गया 12, आप ऐसा भी लिख सकते हो, और 12 के फैक्टर आप क्या लिखोगे, 12 के फैक्टर 4 इंटू 3 भी लिखोगे आप, तो इसको 2 की पावर 4 की पावर 3, दोनों से आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। थर्ड रूल जो है एक्सपोनेंट्स का वो है ए रेज टू पावर एम को अगर आपने ए रेज टू पावर एन से डिवाइड किया है, ए रेज टू पावर एम को ए रेज टू पावर एन से डिवाइड किया है, तो ए रेज टू पावर एम और जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है ये जब ऊपर जाती है तो पावर नेगेटिव हो जाती है माइनस एन। अब जो फर्स्ट रूल था जिनमें बेस क्या था, सेम बेस सेम था, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब ए की पावर कितना बन गया एम माइनस एन, तो इस रिजल्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है इसके अंदर, अगर ए की पावर एम इंटू में बी की पावर एम है, अब देखिए बेस तो दोनों के डिफरेंट हैं मगर पावर दोनों की क्या है, सेम है, तो इनके बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ए इंटू बी होल पावर एम लिख सकते हैं। सिमिलर वे उसमें भी आता है, डिवाइड में भी आता है, ए बाई बी होल पावर अगर एम हो, ए बाई बी होल पावर एम हो, तो ए रेज टू पावर एम डिवाइड में बी रेज टू पावर एम, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल जो है आपका वो ए की पावर एम अगर बी की पावर एम के बराबर है, ए की पावर एम अगर बी की पावर एम के बराबर है, मतलब दो टर्म आपस में इक्वल हैं और उनकी पावर्स भी सेम है, तो उनके बेस भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के। और अगर ए की पावर एम, नेक्स्ट रूल है ए की पावर एम अगर बराबर है ए की पावर एन के, अब की बार देखिए बेस दोनों के सेम है और दोनों इक्वल में हैं, तो उनकी जो पावर है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो एम वहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा। अब ये जो रूल आपने पढ़े हैं, ये जो रूल हमने पढ़े हैं, इन रूल के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी आसानी से कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है,
पहली टर्म है 3a की पावर 4 b की पावर 3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए 6a की पावर 2 b की पावर -1 से। फर्स्ट क्वेश्चन हम ये करने जा रहे हैं। अब देखिए ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 × 6 कितना हो जाएगा 18। और a की पावर 4 को आप a की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और b की पावर 3 को b की पावर -1 से, क्योंकि सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं। अब 18 तो ठीक है और इन दोनों के बेस सेम हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर कितना हो गया 6, 4 + 2 कितना हो गया 6, और b की पावर कितना हो जाएगा 3 − 1 = 2, तो आपका रिजल्ट ये आएगा। सिमिलर वे से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँ, मान लीजिए आपको ये करना है 3a की पावर 7 b की पावर 6, इसको आपने डिवाइड करना है 18 a की पावर 6 b की पावर 8 से। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 है और ये 18 है, 18 के भी फैक्टर बन सकते हैं, 18 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 × 6 ऐसा लिख सकते हैं, a की पावर 6 b की पावर 8, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा 1/6। अब a की पावर 7 है और जब नीचे वाला a ऊपर जाएगा तो a की पावर क्या हो जाएगा -6, और b की पावर क्या है आपके पास 6 है और नीचे वाला b जब ऊपर जाएगा तो b की पावर क्या हो जाएगा -8। अब जो रिजल्ट आपके पास बन के आएगा वो बनेगा, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो a की पावर कितना हो जाएगा 1, 7 − 6 कितना हो गया 1, और b की पावर कितना हो जाएगा 6 − 8 − 2, तो आपका ये रिजल्ट आएगा। तो अब हम इसी के पैटर्न पर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम करते हैं। मान लीजिए मुझे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व 0.027 रेज टू पावर -1/3, 0.027 रेज टू पावर -1/3 मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस डेसिमल टर्म को फ्रैक्शनल टर्म में चेंज करें तो ये बनेगा 27/1000, पावर में कितना हो जाएगा -1/3। अब हमें ये पता है कि पावर अगर नेगेटिव हो तो जो भी टर्म यहाँ पर होती है वो पलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी 1000 / 27 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 1/3। 27/1000 था, पावर में क्या था नेगेटिव, हमने इसको उलट कर दिया, 1000/27 कर दिया और पावर में क्या लिख दिया 1/3। अब 1000 कितना होता है 10 की पावर 3, 27 कितना होता है 3 की पावर 3, होल पावर कितना हो गया 1/3। अब हमने एक लॉ पढ़ा था कि a की पावर m डिवाइड में b की पावर m हो तो उसको a बाई बी होल पावर m कर सकते हैं, तो कहने का मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 10/3 होल पावर 3 और फिर सारे की पावर कितना हो गया 1/3। और फिर हमने एक रूल पढ़ा था 10/3 ये जो पावर होती हैं ये आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर क्या हो जाता है m × n, तो 3 × m कितना हो गया 1/3, ये टर्म इससे क्या होगी कैंसिल, तो आपका जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया 10/3, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे आगे शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूँ वो है सॉल्व 8x³ / 125y² / 2/3, 8x³ / 125y² / 2/3। मान लीजिए मुझे इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा 8x³ / 125y² / कितना लिखा मैंने 2/3, जो डिवाइड का सिंबल था उसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो ये जो टर्म होती है ये 1 के डिवाइड में चली जाती है, 1 के डिवाइड वाले टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपकी बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 × x की पावर 3,
और 125 को आप क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 इंटू में y की पावर 2। 5 की पावर 3 125 होता है, y की पावर 2 ऐसे लिखा हमने, सारे की पावर कितना लिखा 2/3। अब ये जो 2/3 है वो इंडिविजुअल टर्म की पावर हो जाएगी, तो इसका मतलब ये बना 2 की पावर 3 की पावर आप क्या करोगे 2/3, x की पावर 3 की पावर आप क्या करोगे 2/3, 5 की पावर 3 की पावर आप क्या करोगे 2/3, और y की पावर 2 की पावर क्या लिखोगे आप 2/3। इससे क्या होगा, ये जो टर्म है आपकी ये इससे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होती है, एक ऊपर एक नीचे कैंसिल हो जाएगी, तो 2 की पावर कितना बचेगा 2, और 3 से 3 कैंसिल हुआ तो x की पावर कितना बचेगा 2, 3 से 3 यहाँ पर भी कैंसिल हुआ, 5 की पावर में कितना बचेगा 2, और y की पावर में ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4/3। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो ये बनेगी 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, डिवाइड में कितना हो गया 25, और x की पावर 2 एज इट इज़ पड़ा है, और y की पावर 4/3 जो है वो ऊपर जाके कितना हो जाएगा -4/3, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है अंडर द रूट ऑफ एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर इंटू में मल्टीप्लाई है 6th रूट, यहाँ पर 6 लिखा है तो इसका मतलब है 6th रूट एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर की पावर 6th रूट इंटू में एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर का है यहाँ पर क्यूब रूट, क्योंकि पावर में 3 लिखा हुआ है ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर की पावर 1/2, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब स्क्वेयर रूट होता है, यहाँ पर 2 होता है तो ये पावर में 1/2 आ जाएगा। एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर की पावर में यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/6, क्योंकि यहाँ 6 है तो ये 1/6 रूट है, और एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर की पावर में यहाँ पर 3 है तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट। और अभी हमने कहा था, ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है सेम, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर की पावर 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, क्योंकि इनका बेस सेम है तो इनकी पावर मैंने आपस में क्या कर दी ऐड कर दी। अब एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर और इन सब का जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आएगा सबका 6 आएगा, 6 को जब आप इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो यानी कि 3 को ऊपर लिखना आपने, 3 यहाँ आएगा, 6 इनका एलसीएम है, 6 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो प्लस में आपने यहाँ पर 1 लिखना है, 6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, आपने यहाँ पर 2 लिखना है, तो ये टोटल वैल्यू क्या बनेगी एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर इसकी पावर 3+1 4, 4+2 6, 6/6 कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया आपके पास एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर, ये आपके पास आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ आ गया होगा। अब हम इसी तरह के लेक्चर, वीडियो लेक्चर लेके आएंगे जो डिप्लोमा BBA और बाकी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड करें। चैनल का नाम है बुनियाद क्लासेस, थैंक यू सो मच।